अंदर को रहा है। ये सब सरकार झूठ बोल रही हैं। वो चोले तो सवा कुछ पाँगा ही नहीं सी। ना उन्हें कोई घरों टी शर्ट खड़ी, ना कोई पेंट खड़ी। चोले ही उहदे नाल सी, चोला ही खड़िया उन्हें। ये सब झूठ गमराह कर डे लोगों नूं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई अमृतपाल कपड़े बदल के जा चुके हैं, देखा गया बदल के। मेरा नाम बलविंदर कौर है। ये सब सरकारां झूठ बोल रही हैं। वो चोले तो सवा कुछ पाँगा ही नहीं सी। ना उन्हें कोई घरों टी शर्ट खड़ी, ना कोई पेंट खड़ी। चोले ही उहदे नाल सी, चोला ही खड़िया उन्हें। ये सब झूठ गमराह कर डे लोगों नूं। इन्हां दे कोल वा ये सच दस नहीं रहे। वो कपड़े नहीं बदल सकता, वो चोला उन्हें लाना नहीं। उन्हें प्रण किया कि मैं चोले च वहां तो चोले च ही रहना। पुलिस ने एक फोटो जारी भी की जिसे क्लीन शेव कहते हो गई, वह भी इतलाह करो पुलिस को। लगता कि भाई अमृतपाल सिंह पंथ की गल करने वाले फिर इस तरह भेस बदल सकते? कभी नहीं है। पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं, करते हूँ तो वक्री गल। वो नहीं कभी भी इस काम से आ सकता। खराब करना चाहे कदी नहीं हो सकता कि अपना एक वाल भी पुंजे नहीं डिगन दिंदा। भेस कि बदल लू अपना। पर हुण जिद्दां पुलिस दे वल्लों पीस एक खबर दे चर्चा कीती है, सरपंच दे घर रोटी भी खादी उहने, सब झूठ बोलदे, कुछ भी कही जाण। अज इन्हां नूं पता लगा वी सरपंच दे घर रोटी खादी, चार दिन इह गल नूं हो गए। गड्डी दे विच कोई होर वी कपड़े रखदी सी कि सिर्फ चोले हुंदे सीगे? चोले ही हुंदे सी सिर्फ, उहदा कोई होर कपड़ा ही नहीं हैगा। जो उहने अमृत छकिया चोला पाया, उहने दुबारा कोई पजामा कुर्ता नहीं पाया, ना उहने कोई टी शर्ट पाई। मोटरसाइकिल जांदे फोटो वी वायरल होईआं ने। मोटरसाइकिल ते उह किदां चढ़ गया गड्डी छड्ड के? मोटरसाइकिल किहने देता उहनूं उत्थे? इह सब सरकारां दा झूठ वा। तो इन्हों कहो भी जिदा भी हो सकता इन्हों शो कर भी हाँ बच्चा कितने अरैसट किया इन्होंने, किड़े भेस चू गलत किस भेस चुना वह किरदार खराब ना कर। अमृतपाल कपड़े बदल के जा चुके, बदल के। मेरा नाम बलविंदर कौर है। ये सब सरकार झूठ बोल रही है। चोले तो सवा कुछ पाँगा ही नहीं सी। ना उन्हें कोई घरों टी शर्ट खड़ी, ना कोई पेंट खड़ी। चोले ही उहदे नाल सी, चोला ही खड़िया उन्हें। ये सब झूठ गमराह कर डे लोगों नूं। इन्हां दे कोल वा ये सच दस नहीं रहे। वो कपड़े नहीं बदल सकता, वो चोला उन्हें लाना नहीं। उन्हें प्रण किया कि मैं चोले च वहां तो चोले च ही रहना। पुलिस ने एक फोटो जारी भी की जिसे क्लीन शेव कहते हो गई, वह भी इतलाह करो पुलिस को। लगता कि भाई अमृतपाल सिंह पंथ की गल करने वाले फिर इस तरह भेस बदल सकते? कभी नहीं है। पुलिस वाले कुछ कर सकते हैं, करते हूँ तो वक्री गल। वो नहीं कभी भी इस काम से आ सकता। किरदार खराब करना चाहन डे। वो एदा कदी नहीं हो सकता कि वह अपना एक वाल भी पुंजे नहीं डिगन दिंदा। वो भेस किदां बदल लू अपना? पर हुण जिद्दां पुलिस दे वल्लों पीस एक खबर दे चर्चा कीती है, सरपंच दे घर रोटी भी खादी उहने, सब झूठ बोलदे, कुछ भी कही जाण। अज इन्हां नूं पता लगा वी सरपंच दे घर रोटी खादी, चार दिन इस गल नूं हो गए। गड्डी दे विच कोई होर वी कपड़े रखदी सी कि सिर्फ चोले हुंदे सीगे? चोले ही हुंदे सी सिर्फ, उहदा कोई होर कपड़ा ही नहीं हैगा। जो उहने अमृत छकिया चोला पाया, उहने दुबारा कोई पजामा कुर्ता नहीं पाया, ना उहने कोई टी शर्ट पाई। मोटरसाइकिल जांदे फोटो वी वायरल होईआं ने। मोटरसाइकिल ते उह किदां चढ़ गया गड्डी छड्ड के? मोटरसाइकिल किहने देता उहनूं उत्थे? ये सब सरकारां दा झूठ वा।
ते इन्हां नूं कहो भी जिद्दां भी हो सकदा इन्हां नूं इह शो करन भी साडा बच्चा कित्थे अरैसट कीता इन्हां ने किहड़े भेस च उहनूं गलत किस भेस च उहनां उहदा किरदार खराब ना करन। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।